हेलो स्टूडेंट, निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी के सेशन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के दो लेक्चर पढ़े थे, तो उन लेक्चरों में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था। तो ब्लड में हमने आरबीसी की बात की थी, डब्ल्यूबीसी की बात की थी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद अब जो बात आती है वो प्लेटलेट्स की बात आती है। रक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें मैंने आरबीसी से संबंधित सारी बातें बताई थी आपको। डब्ल्यूबीसी में क्या कैसे हुआ था सारी बातें बताई थी, कितने प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, कौन सी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर से रक्षा करती हैं, क्या काम करती हैं। ठीक इसी तरह हम बात करना चाहते हैं आज प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स क्या काम करेंगी हमारे शरीर में। ठीक, तो प्लेटलेट्स से संबंधित सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। और हमारा जो वीडियो होगा ये सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे MPSI, MBBSC। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम, SSC, रेलवे, ये सारे एग्जाम्स होंगे, इसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लेटलेट्स। सेम स्थिति में मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो जो अन्य नाम होता है, जैसे सबके नाम थे तो प्लेटलेट्स का भी अन्य नाम होता है। तो प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया था आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, तो प्लेटलेट्स का जो नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जो नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, यहां पर जो थ्रोम्बो का मतलब होता है वो होता है क्लॉट, क्लॉट का मतलब है जमना, मतलब ब्लड को जमाने में सहायता कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है, इसीलिए इनका नाम है क्या, थ्रोम्बोसाइट। मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर किसी की कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, कि किसी भी शब्द के बाद में अगर पीनिया लगा रहे तो समझ जाएं आप कमी हो रही है, और यदि बन रही है तो किसी भी चीज की वृद्धि, एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक इसी प्रकार यदि ये बन रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और इसकी कमी को क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो मैंने कहा कि प्लेटलेट्स जो होती है इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, तो इसके बनने को कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इसके बनने को क्या कहूँ, मैं कहूँगा यही बनने को, इसके बनने को कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब कहीं भी सिस लगा है तो समझ जाएं आप उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और किसी भी शब्द के पीछे यदि पीनिया लगा है तो समझ जाएं कमी हो रही है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स बनने को प्लेटलेट्स बनने को कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। सेम इनकी जो संख्या होती है, संख्या वो होती है 4.5 से 5.5 लाख ml हीमोग्लोबिन, मिली लीटर हीमोग्लोबिन होती है इनकी संख्या। तो इनकी जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख ml हीमोग्लोबिन होती है। जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं इसी, इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल, तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। कई कई किताबों में लिखा रहता है 1 से 1.5 वीक, मतलब 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह तक इनका जो जीवन काल होता है वो होता है। तो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, देखें प्लेटलेट्स जो होती हैं आपका, इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी थी तो आरबीसी में जो केंद्रक था वो नहीं पाया जा रहा था, डब्ल्यूबीसी में बस केंद्रक पाया जाता है। सेम इसी तरह प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब ये भी इन्यूक्लेटेड होती हैं, मतलब जिनमें केंद्रक ना पाया जाए, तो इसमें इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक इसी तरह इनका जो आकार होता है, थ्रोम्बोसाइट का जो आकार होता है वो होता है आपका गोलाकार, यानी राउंडेड होती हैं कौन, थ्रोम्बोसाइट्स, जो प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो सेम जो प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है, तो मैंने आपको बताया था अस्थि मज्जा जो होती है, सभी का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में हो रहा था। तो सेम इसी तरह जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं तो इनका निर्माण भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है। मैंने आपको बताया था बोन होती है, बोन के बीच का जो खोखला भाग होता है वो बोन मैरो कहलाता है, अस्थि मज्जा। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इनकी जो मृत्यु है आपका कहाँ पर होती है, ब्लड,
ब्लड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि दोबारा रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न कहाँ पर होती है ये, तो पुनः उत्पन्न कहाँ पर होंगी, जहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है वहीं पर वो उत्पन्न होती हैं, तो पुनः उत्पन्न कहाँ पर होंगी, ब्लड में ही होती है। इस तरह मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स जो होता है इनका अन्य नाम होता है थ्रेब्बोसाइट्स। थ्रेब्बो का मतलब होता है क्लॉट, ठीक है, अर्थात रक्त का थक्का जमाने वाली कमी। मैंने कहा कि किसी भी शब्द के पीछे यदि पीनिया लगा है मतलब उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। सिस लगा है मतलब क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो प्लेटलेट्स की कमी को कहा जाएगा थ्रेब्बोसाइटोपिनिया और इसके बनने को कहा जाएगा थ्रेब्बोसाइटोसिस। सेमी इसी तरह इनकी जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख ml हीमोग्लोबिन होती है। जो इनका जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का यानी एक सप्ताह से डेढ़ सप्ताह का होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। इसका इनका जो निर्माण होता है प्लेटलेट्स का वो होता है अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है। जो इनकी मृत्यु होती है वो आपका कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है। तो जहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है वहीं पर वो पुनः उत्पन्न भी होंगी, तो बनती कहाँ पर है दोबारा, ये ब्लड में ही बनती है। सेम अगर मैं इनका जो एक और नाम होता है मेगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, इनके देखें इसके बारे में, ठीक। तो अगर मैं कहूँ इनका जो अन्य नाम होता है कभी कभी किताब में आपको मिलेगा मेगा कैरियोकाइन, इनका अन्य नाम होता है मेगा कैरियोकाइन। इनका मतलब होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी होती हैं, बड़ी होने के कारण इनका ये नाम होता है। अगर मैं कहूँ अब इनका जो काम, जैसे आरबीसी का जो काम था वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना था, डब्ल्यूबीसी का काम था रोगों से लड़ना। सेम इसी तरह अगर मैं प्लेटलेट्स का कार्य कहूँ तो इनका जो काम होता है ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाना इनका काम होता है, रक्त का थक्का जमाना इनका काम होता है। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ब्लड क्लॉटिंग होता है, जो दूसरा होता है वो होता है शरीर का ताप नियंत्रित करना। इनका दूसरा काम होता है, याद रखें, आपका टेम्परेचर जो बनाने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम करती हैं, वो आपकी करती हैं कौन, प्लेटलेट्स। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को जब डेंगू बीमारी हो जाती है डेंगू में कहते हैं प्लेटें कम गई, तो प्लेटलेट्स ही कमती है क्योंकि इनका जो काम होता है क्या होता है, ताप नियंत्रित करना इनका दूसरा काम होता है। इसीलिए डेंगू में आपकी किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की, ठीक। डेंगू को कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा डेंगू के बारे में देख लें, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू ज्वर को कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। जो डेंगू ज्वर, देखें इसका जो वाहक होता है, जो मच्छर होता है इसका वाहक, इसके वाहक का नाम है एडिस इजिप्टी एक मच्छर है जो इसका वाहक होता है, ठीक है। इस एडिस इजिप्टी का नाम होता है टाइगर मॉस्क्यूटो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है टाइगर मॉस्क्यूटो, ठीक। तो मैंने कहा कि डेंगू जो होती है इसका अन्य नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार, जिसका वाहक होता है वो एडिस इजिप्टी होता है, जिसका वायरस कभी कभी पूछा जाता है तो इसके वायरस का नाम है डेंगू वायरस, या कह सकता हूं मैं अरबोवायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, अरबोवायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये इसका जो वाहक होता है तो कौन होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। तो ये जाकर के इसका जो भोजन होता है, इस एजिट इजिप्टी का जो भोजन होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। इसीलिए हमारी प्लेटें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो याद रखें प्लेटें कम होती है किसकी वजह से, आपकी प्लेटलेट्स की वजह से डेंगू जो होता है। तो मैंने कहा कि जो इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाना होता है, दूसरा काम शरीर का ताप नियंत्रित करना यानी टेम्परेचर बना करके रखती हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब हमें डेंगू हो जाता है कभी कभी, तो डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, इसका जो वाहक होता है एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, इसी को टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहा जाता है। और इसका जो भोजन होता है, इस टाइगर मॉस्क्यूटो का भोजन जो होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स। इसीलिए आपकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो पहला मैंने आपको कार बताया है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाना। तो देखें आपका, अब रक्त का थक्का जमाने से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या चाहिए,
क्या क्या होना चाहिए, कैसे जमता है आपका रक्त का थक्का। तो मैं बात कर रहा हूँ अब रक्त का थक्का, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ब्लड क्लॉट के लिए क्या क्या चाहिए, तो याद रखें कि ब्लड क्लॉट के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक आपको विटामिन चाहिए, विटामिन्स, दो आपको प्रोटीन चाहिए और एक आपको खनिज लवण चाहिए, खनिज लवण। ठीक है, तो आपका जो खनिज लवण होता है वो आपका जो होता है, देखिए कैल्शियम, CA, कैल्शियम जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। प्रोथ्राबिन, प्रोथ्राबिन और फाइब्रिनोजेन, ब्रिनोजेन, ये आपका ये दोनों प्रोटीन होती हैं और एक विटामिन्स होता है वो होता है के, विटामिन्स के होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। जो कैगुलेशन की शुरुआत है यानी जमने की जो शुरुआत करता है, जमने की शुरुआत, जो जमने की शुरुआत करता है वो कौन करता है, विटामिन के करता है। तो याद रखें रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक विटामिन चाहिए, दो प्रोटीन चाहिए और एक खनिज लवण चाहिए। जो विटामिन होती है वो के होती है, ये जमने की शुरुआत करता है। ठीक, और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन दो होती हैं, प्रोथ्राबिन और फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन होती हैं। और जो आपका खनिज लवण होता है वो कौन होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, ये आपके क्या चाहिए किसमें, रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो याद रखें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन आवश्यक होता है, तो याद रखें एक प्रोटीन होती है, इसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजेन। अब ब्लड क्लॉटिंग के अलावा अब दूसरी बात क्या है, इसी RBC से और क्या प्रश्न बनते हैं, इसी प्लेटलेट्स जो होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या चाहिए आपका, कौन सा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त का थक्का अगर नहीं जमे, रक्त का थक्का, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो है, आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है, क्या ऐसा पाया जाता है, तो शरीर के जो अंदर होता है वो एक प्रोटीन पाई जाती है, हेपेरिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक, तो हेपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर पाई जाती है, इसका जो निर्माण है कौन करता है, लीवर या यकृत करती है हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है उसका कारण कौन है, हेपेरिन। क्यों, शरीर के, यदि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, चूँकि हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो दौड़ ना पाएगा और थक्का का थक्का जम जाएगा और क्या होगा, आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के शरीर में अंदर हेपेरिन की कमी हो जाती है, तो यदि हेपेरिन की कमी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा, डॉक्टर आपको एक दवाई देगा हीरोडीन के फॉर्म में, हीरोडीन के फॉर्म में एक दवाई दी जाएगी आपको। और जो हीरोडीन है ये आपके कहाँ पाया जाता है, जोंक, जो लीच होती है, जोंक की लार में आपकी क्या पाई जाती है, हीरोडीन। ये आप क्या करती है, रक्त का थक्का जो आपके शरीर के अंदर हेपेरिन जो होती है, तो इसको मैं कह सकता हूँ हीरोडीन को, ये क्या है, कृत्रिम हेपेरिन, बनाई गई हेपेरिन कौन सी है, हीरोडीन। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है किसके कारण, हेपेरिन के कारण, यानी हेपेरिन के कारण। तो याद रखें कि यदि हेपेरिन बनता कहाँ पर है, लीवर में बनता है, यदि हेपेरिन की कमी हो जाए तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा, हीरोडीन देगा। हीरोडीन को क्या कह सकते हैं, हीरोडीन को हम कहते हैं कि कृत्रिम हेपेरिन है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी जोंक के लार में पाई जाती है, कौन, ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं अब इसकी बीमारियां कौन सी होती हैं, बीमारियां अब प्लेटलेट से और कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो देखें प्लेटलेट से होने वाली बीमारियां, प्लेटलेट से होने वाली बीमारियों की अगर मैं बात करूं बीमारियां, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है परप्यूरिया, परप्यूरिया। यदि आपकी परप्यूरिया क्या है, यदि आपकी प्लेटलेट्स घट करके 40,000 तक पहुंच जाती हैं, यदि हमारी प्लेटलेट्स घट करके 40,000 तक पहुंच जाती हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, परप्यूरिया बीमारी हो जाती है। और आपके शरीर में लाल लाल चकते टाइप के पड़ने लगते हैं, रेड कलर के जो चकते होते हैं वो शरीर में पड़ने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, इसे कहा जाता है परप्यूरिया। तो यदि आपकी प्लेटलेट्स 40,000
खो जाएं, कम होते हुए 40,000 पहुंच जाएं, तो आपके शरीर में लाल लाल चकते पड़ेंगे, आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? परप्यूरिया। दूसरी आपकी जो बीमारी होती है इसी प्लेटलेट्स की वजह से, वो होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया से पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हीमोफीलिया को बोला जाता है शाही बीमारी। शाही बीमारी बोला जाता है, शाही बीमारी, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका मानना था, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था हेल्डेन। हेल्डेन का मानना था कि ये सबसे पहले, ये जो बीमारी है ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या पड़ गया? शाही बीमारी। तो मैंने कहा हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के जिनका नाम था हेल्डेन। तो हेल्डेन का मानना है कि ये बीमारी जो है सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या होता है? शाही बीमारी। इसमें जो वाहक होते हैं, जो वाहक पुरुष होते हैं इस बीमारी के जो वाहक होती हैं वो कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, आपका इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का कहाँ पर नहीं जमता है? शरीर के बाहर। याद रखें, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपका जो ब्लड है, यदि आपको चोट लगती है और आपका ब्लड गिरने लगता है, तो 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा रक्त का थक्का जम जाता है। और यदि हमारा 2 से 5 मिनट में यदि रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो कौन सी बीमारी का आशंका रहती है? हीमोफीलिया की आशंका रहती है। तो इस हीमोफीलिया को मैंने कहा, इसको शाही बीमारी कहा जाता है। हेल्डन का मानना है कि सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शाही बीमारी। वाहक महिलाएं होती हैं, और ये क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहाँ पर? शरीर के बाहर रक्त का थक्का। तो मैंने आपको 2 बीमारियाँ बताई, एक बीमारी का नाम मैंने आपको बताया परप्यूरिया। परप्यूरिया में क्या होता है, यदि आपकी प्लेटलेट्स घट करके 40,000 पहुँच जाती हैं, तब क्या होता है, 40,000 पहुंच जाती हैं तो आपके शरीर में क्या होता है, शरीर में आपके लाल लाल रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है आपको? परप्यूरिया। तो ये था आपका प्लेटलेट्स का चैप्टर। तो प्लेटलेट्स आपका यहीं पर क्या होता है, समाप्त। जो भी आपके डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं प्लेटलेट्स से संबंधित। अब अगर मैं बात करूँ तो इसी का एक अगला चैप्टर है, उसको भी अपन पूरा कर देते हैं इसी लेक्चर में। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो बात करते हैं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप। इसी में एक चैप्टर आता है ब्लड ग्रुप का, रक्त समूह। रक्त समूह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं रक्त समूह से। अगर मैं रक्त समूह की बात करूं तो पहला प्रश्न आएगा कि मानव का रक्त समूह कौन से सिस्टम में पाया जाता है। तो मानव का जो रक्त समूह है वो आपका एबीओ सिस्टम में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हम ना ए कहेंगे ना बी कहेंगे। मानव का जो ब्लड ग्रुप है, मानव का रक्त समूह है, कौन से सिस्टम में पाया जाता है? तो मानव का जो ब्लड समूह है, रक्त समूह है, वो आपका कौन सा? एबीओ सिस्टम में पाया जाता है। यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर कम से कम 52 से 54 ब्लड ग्रुप रक्त समूह होते हैं। तो मानव का जो ब्लड ग्रुप है किस में पाया जाता है? एबीओ। ठीक है, एबीओ में पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रक्त समूह जो होता है, इस एबीओ में आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, एबी होता है और ओ होता है। तो यहाँ पर जो आपका एक ब्लड ग्रुप था ए बी और ओ, इस ए बी ओ की खोज जो है, ये आपका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर उनका पूरा नाम था। तो ए बी ओ, अतः ए बी ओ की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। अतः कहा जाता है कि रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे, वो आपके कौन थे? रक्त समूह की खोज करने वाले लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे। अगर मैं बात करूं, अब यहां पर एक और ब्लड ग्रुप बचता है जिसका नाम है ए बी। ए बी की जो खोज है वो कैस्टलो एवं स्टर्ली, कैस्टलो और स्टर्ली नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज? ए बी की खोज की थी। ठीक, तो मैंने आपको कहा रक्त समूह जो होता है, मानव का जो ह्यूमन ब्लड होता है वो ए बी ओ सिस्टम में पाया जाता है। जो ए बी और ओ की खोज करने वाले थे कौन? कार्ल लैंडस्टीनर, 1940 में खोज की थी इन्होंने। ठीक, तो इसीलिए रक्त समूह की खोज करने वाले कौन हो गए? लैंडस्टीनर। और जो ए बी है, तो ए बी की खोज किसने की है? कैस्टलो एवं स्टर्ली नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है? ए बी ओ सिस्टम की खोज की है। अब इसके बाद अगर मैं रक्त समूह पढ़ने के पहले हमें 2 चीज़ें जानना आवश्यक हैं। आप पढ़ेंगे तो देखें, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को क्या है एंटीजन और क्या है एंटीबॉडी। देखें, एक होता है एंटीजन,
जो एंटीजन होता है उसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन, प्रतिजन। एक होता है आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है हिंदी में प्रतिरक्षी। रक्त समूह समझने के पहले आप दो चीजें जाने, एक होता है एंटीजन जिसको कहा जाता है प्रतिजन, और एक होता है एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है प्रतिरक्षी। अब यहां पर देखें, जो एंटीजन होता है वो आपका पाया जाता है आरबीसी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एंटीजन कौन सी ब्लड सेल्स में पाया जाता है, तो एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। जो आपका एंटीबॉडी पाया जाता है तो एंटीबॉडी या तो प्लेटलेट्स में पाई जाती है, प्लेटलेट्स में मिल सकती है आपको, या आप कह सकते हैं कि कौन सी डब्ल्यूबीसी में, या प्लेटलेट्स में पाई जाएगी एंटीबॉडी, या आपकी कहां पर पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी में पाई जाएगी। अब यहां पर क्या होता है, आपका जो एंटीजन होता है वो क्या है, तो आरबीसी में आपका पाया जाता है। आप आरबीसी आपने देखा होगा कि लोग से पूछा जाए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कोई कहेगा ए है, कोई कहेगा बी है, कोई कहेगा ए बी है, कोई कह देगा कि ओ है, कोई कहते हैं मेरा ये पॉजिटिव है, कोई कहता है ए निगेटिव है। ये कैसे होता है, तो देखें यदि इस आरबीसी को पता कैसे चलता है, पता चलता है से इस आरबीसी को उठा करके, आप आरबीसी को किसी की आरबीसी को उठाएं और आरबीसी को उठाकर आप रखें कहां पर, माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रख दें। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में जब आप रखेंगे इसको, तो आपको सी के आकार की एक संरचना मिलेगी, सी के आकार की संरचना मिलेगी, और यही आपको बताएगी कि सी क्या, यही आपको बताएगी कि आपका ब्लड सेल कौन सा है। तो ये सी जो होती है, एंटीजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, याद रखें। तो मैंने आपको बताया कि एंटीजन जो होते हैं वो आपके आरबीसी में पाए जाते हैं, किसी की आरबीसी यदि आपको पता लगाना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप आरबीसी को उठाएं, आरबीसी को उठा करके इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखें, और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में जब आप रखेंगे तो एक सी के आकार की संरचना मिलेगी। इस सी के आकार में आपके दो एंटीजन होते हैं, या तो ए होगा या तो आपका क्या होगा, बी होगा। सेम इसी तरह यदि आपको एंटीबॉडी पता करनी है, तो आप प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी को उठाएं, और डब्ल्यूबीसी को उठा करके इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखें, तो यहां पर आपको सी के आकार की संरचना मिलेगी। यहां पर क्या होगा, जो एंटीबॉडी होती है वो होती है दो, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। ठीक, एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एंटीजन और एंटीबॉडी के रूप में देखें, एंटीजन मैंने आपको कहा प्रतिजन, और एंटीबॉडी मैंने कहा प्रतिरक्षी। तो आपने देखा होगा हम लोग पोलियो की दवा सुबह जब छोटे रहे हैं तो पोलियो की दवा पिया करते थे, पोलियो की दवा पीते थे, और पोलियो की दवा एक बार हमने पी तो फिर हमने देखा कि हमें कभी भी पोलियो नहीं होता है। बचपन में हम लोग दो बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती है लगातार 5 वर्ष की उम्र आयु तक पिलाई जाती है, आपको ऐसा क्या होता है उस पोलियो में कि आपका क्या हो जाता है पोलियो में, कि आपको पता कैसे चल जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे पोलियो आपको नहीं हो रहा है। तो देखें वो जो पोलियो की दवा थी, उस दवा में वही जो पोलियो फैलाने वाला वायरस था उसको डाल दिया गया था। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को पिला दी जाती है तो क्या है, ये तो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, और या बच्चों में क्या हो जाता है कभी कभी एडल्ट उल्टी हो जाती है उनको। तो ऐसा क्या होता है उसमें, उसमें वही वायरस जो पोलियो फैला रहा है पोलियो वायरस को ही डाल दिया जाता है, और जब हम उसको दो दो बूंद करके लेते हैं तो 5 साल तक जब पिलाया जाता है तो धीरे 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 हमारे शरीर में पहुंचता है, और वो किसका काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करेगा। अब हम बड़े हो गए हैं, तो यदि हमारे शरीर में पोलियो वायरस अटैक करेगा तो हमने तो उसको एंटीबॉडी के रूप में थोड़ा थोड़ा सा करके लिया है, इसीलिए जब पोलियो वायरस हमारे शरीर में अटैक करेगा तो हमारे शरीर में पहले से पोलियो वायरस किसका काम कर रहा है, एंटीबॉडी का काम कर रहा है। तो अगर मैं पोलियो की बात करूं तो जो पोलियो है ये किसके रूप में बाहर से आक्रमण कर रहा है, एंटीजन के रूप में, अर्थात जो बाह्य आक्रमणकारी जीवाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं वो एक प्रकार से कौन है, एंटीजन कह सकता हूं मैं, और जो हमारे शरीर की उससे रक्षा करते हैं वो किसका काम करते हैं, एंटीबॉडी का काम करते हैं। ठीक, अब यहां पर एंटीजन मैंने आपको बताया कि दो एंटीजन होते हैं, एक स्मॉल ए और कैपिटल ए और कैपिटल बी, और एंटीबॉडी जो होती हैं वो होती हैं दो, एक स्मॉल ए होता है और एक स्मॉल बी होता है। अब इस सारणी से समझने का प्रयास करते हैं कि अब किसमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें आपका एंटीबॉडी होती है, किसमें आपका एंटीजन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखें अब इस सारणी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो मैं आपको बनाता हूँ, एक आपका मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। एक मैं आपको लिखता हूं एंटीजन,
एक मैं आपका लिखता हूँ एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप आपका मैं लिखता हूँ ए होता है, बी ए बी और ओ। ठीक, देखें आरबीसी में जैसा जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका क्या होता है, एंटीजन होता है। तो याद रखें इसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन होगा, ए, ब्लड ग्रुप बी है एंटीजन भी कौन होगा, बी। ठीक, यहां पर ए बी है तो ए और बी होगा, ए एंड बी। ठीक, अब यहां पर देखें, अब यहां पर अब मैं इसकी बात करूं तो जो आपका एंटीजन होगा, जो आपका एंटीजन होगा उसके विपरीत कौन होगी, एंटीबॉडी होगी। तो आपका एंटीजन कौन सा है, ए, तो आपकी एंटीबॉडी कौन होगी, बी। मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है, जो आपका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए होगी। ठीक, तो यहां पर आप क्या है, यहां पर ए और बी है तो यहां पर कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, नहीं कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं सॉरी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी। कारण देखें यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा कि जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आपका एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, और जो आपका एंटीजन होगा उसके विपरीत क्या होगी, एंटीबॉडी। तो एंटीजन आपका ए है इसीलिए एंटीबॉडी क्या है, बी। क्यों, यदि ए एंटीजन है, यदि ए एंटीजन है और एंटीबॉडी भी यदि ए हो जाएगी तो दोनों मैच कर लेंगे, और मैच करने के कारण यदि मैच कर लेंगे दोनों तो क्या होगा, यदि इनको चढ़ा दिया जाए तो खून में क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड खराब हो जाएगा, जिससे हमारे ब्लड में शरीर में अनियमितताएं हो जाएंगी और बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए जो आपका एंटीजन होता है उसके विपरीत क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। दोनों एक साथ नहीं मिला सकते हैं, हमारा ब्लड खराब हो जाएगा, कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। तो एंटीजन ए इसीलिए एंटीबॉडी स्मॉल बी, एंटीजन बी इसीलिए एंटीबॉडी ए। अब यहां पर देखें जो एंटीजन ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन होगा, यहां पर मैंने कोई एंटीबॉडी नहीं कहा, क्यों, क्योंकि ए के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, ए के लिए एंटीबॉडी बनेगी स्मॉल ए, और बी के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, स्मॉल बी बनेगी। इसीलिए एक दूसरे को ये पहचान लेते हैं, पहचानने के कारण यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, सेम इसी तरह ओ के लिए मैंने कहा या इसके में क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता है, और इसके एंटीबॉडी का क्या नाम है, स्मॉल बी। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से किस में एंटीजन नहीं होता है, तो याद रखें ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। याद रखें, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस में एंटीजन होता है और किस में एंटीबॉडी, तो ए बी जो होता है ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अब यहां से ये भी आपने पढ़ा होगा कि ओ जो होता है सर्वदाता होता है, सर्वदाता, ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर मतलब ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये जो है किसी से ब्लड ले सकता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक, जो ए वाला होगा वो ए वाले को देता है। ठीक, ए वाला, अब देखें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए कि जो सर्वदाता है तो ये सर्वदाता है तो ये सबको दे सकता है, मतलब ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, क्योंकि ये क्या है, सर्वदाता है। अब ले किससे सकता है, ये केवल और केवल ओ वाले से ही लेगा। ठीक, जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है मतलब सबका ग्रहण कर सकता है, ए वाले से ग्रहण कर सकता है, बी वाले से ग्रहण कर सकता है, ओ वाले से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, लेकिन देगा किसको, देगा किसको ए बी वाले को ही दे सकता है। ए वाले का ब्लड ग्रुप आप ए वाला जो है किसको देगा, ए को। अब यहाँ पर ग्रहण किसका कर सकता है, तो यहाँ ये किसका, ए का और ओ का ग्रहण कर सकता है। ठीक, लेकिन इसको देना किसको है, ए बस को दे सकता है, ये बी वाला बी वाले बस को दे सकता है। ठीक, इसी तरह ये सारणी थी आपकी, कौन सी ब्लड ग्रुप से संबंधित सारणी थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किस में एंटीजन होता है, किस में एंटीबॉडी होती है, कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है और कौन सा सर्वग्राही होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखें, अब कुछ समय के पश्चात एक और ब्लड ग्रुप खोजा गया, एक और ब्लड ग्रुप आया हमारे अस्तित्व में, उसका नाम था आरएस फैक्टर। देखें आरएच क्या है,
अब पॉजिटिव नेगेटिव भी कोई बोलते हैं कि मेरा पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की संकल्पना कैसे समझाते हैं। एक होता है RS फैक्टर, FACTOR, RS फैक्टर जो होता है, या RH आप बोल सकते हैं, RH ब्लड ग्रुप। तो RS फैक्टर होता है, एक वैज्ञानिक थे, ठीक, तो यहाँ पर एक बंदर था, अफ्रीका में पाया जाने वाला बंदर था, उस बंदर का नाम था रीसस, और दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लैंड स्टीनर व दूसरे का नाम क्या था, बीनर। लैंड स्टीनर और बीनर दो वैज्ञानिक थे, लैंड स्टीनर और बीनर दो वैज्ञानिक थे, अफ्रीका में इन्होंने एक बंदर मिला था जिसका नाम था रीसस। रीसस कौन है, ये मंकी है, ये आपका रीसस नाम का बंदर है। तो रीसस बंदर है, तो रीसस बंदर में का ब्लड निकाला और इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप में रखा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, इसमें गोला गोला रंग के दाने प्राप्त हो गए, मतलब इनका जो ब्लड ग्रुप अलग निकला, ठीक है। तो ये क्या था, RH। तो अब इस एक नया ब्लड ग्रुप मिल गया, कौन सा, RH। तो रीसस नाम का बंदर था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, RH। तो याद रखें, RH फैक्टर अफ्रीका में पाया जाने वाला बंदर, रीसस के बंदर में खोजा गया था, खोजने वाले थे लैंडस्टीनर व बीनर नाम के वैज्ञानिकों ने खोज की थी। क्या किया था कि RH जो बंदर था रीसस की RBC निकाली, और रीसस की RBC निकाल कर इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप में रखी, तो यहाँ पर इस प्रकार का प्राप्त हुआ, जिसे कहा, क्या कहा गया, RH कहा गया, ठीक। इसके बाद एक नया ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो गया, RH हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जिसमें भी, अब मैंने कहा आपके ने ब्लड ग्रुप पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, ए बी पढ़ा और ओ पढ़ा, ठीक। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। तो याद रखें, जिसमें भी RH प्लस पाया जाता है, जिसमें भी RH पाया जाएगा वो RH प्लस कहलाएगा, मतलब ए बी पॉजिटिव। ए यदि इसमें पाया जा रहा है तो ए बी पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं पाया जाएगा, RH नहीं पाया जाएगा वो कैसा होगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। इसीलिए आपने देखा होगा ये पॉजिटिव निगेटिव। तो याद रखें कि जिस ब्लड ग्रुप में RH पाया जाएगा वो पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो निगेटिव कहलाएंगे। तो RH यदि पाया जा रहा है तो RH सहित बोलेंगे उसको, RH सहित मतलब RH है, और यदि नहीं पाया जा रहा है तो RH रहित बोलेंगे उसको, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आपको ए बी, ए प्लस, ए माइनस का सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और धारणा है, अब देखें इससे एक बीमारी होती है, इससे क्या होता है, तो जो दुनिया के 93% लोग हैं, जो दुनिया के 93% लोग हैं, जो दुनिया के 93% लोग हैं, 93, उनमें RH प्लस पाया जाता है, RH पाया जाता है, लेकिन जो दुनिया के 7% लोग हैं उनमें RH जो होता है वो नहीं पाया जाता है। RH 93% लोग हैं जो दुनिया में, इसमें RH पाया जाता है, जो आपकी दुनिया के 7% लोग हैं उस RH नहीं पाया जाता है। इसीलिए आपका RH प्लस RH माइनस देख के शादी विवाह करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे एक दिक्कत भी आती है, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत होती है। तो देखिए ये जो RH नहीं वाले हैं, तो ये आपके अफ्रीका में खोज हुई थी, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है, भारत में ऐसी समस्या नहीं है। इसीलिए RH प्लस RH माइनस आप चाहें तो देख सकते हैं विवाह के लिए, ठीक है। इसमें एक बीमारी होती है इस RH की वजह से, उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस। एर्थोब्लास्टोफिटेसिस देखें, अब इसमें क्या होता है, ये इससे संबंधित बीमारी है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस, यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस हो, और जो माता होती है तो माता का ब्लड ग्रुप RH माइनस हो, ठीक है। तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस है और माता का ब्लड ग्रुप RH माइनस है, यदि इन दोनों का विवाह करा देते हैं आप, तो प्रथम बार जो होता है, प्रथम बार पहली जो संतान होगी, जो फर्स्ट संतान होती है, तो फर्स्ट संतान आपकी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। पहली संतान आपकी कैसी होगी, नॉर्मल मतलब सामान्य प्राप्त होती है, लेकिन दोबारा संतान नहीं होगी, याद रखें।
ठीक। तो मैंने कहा कि ये बीमारी कौन सी कहलाती है, एर्थोब्लास्टोसिस फिटेसिस। यदि पिता का ब्लड ग्रुप आर एच प्लस और माता का ब्लड ग्रुप आर एच माइनस है, तो यदि इनका विवाह हो जाता है, पिता माता, अरे माता पिता है तो विवाह तो हो ही गया होगा, तो इनकी जो प्रथम संतान है वो आपकी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। और जो दूसरी बार से संतान ही नहीं होगी, या अगर संतान भी होगी तो इसको कोख में मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए इस बीमारी को क्या बोला जाता है, एर्थोब्लास्टोसिस फिटेसिस बोला जाता है। ठीक। अब अगर इसकी बात करूं तो इम्यूनोग्लोबुलिन, अब इसकी बीमारी के लिए एक इलाज है, इम्यूनोग्लोबुलिन। यदि किसी को ये बीमारी है तो यदि माता को इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगवा दिया जाए, यदि माता को इम्यूनोग्लोबुलिन, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगा देगा, जिससे क्या होगा, ये बीमारी दूर हो जाती है। ठीक। अब इसके बाद एक और कुछ प्रश्न और बनते हैं कि जैसे आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है ब्लड ग्रुप से संबंधित, आपसे पूछेगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा। तो देखें इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि इससे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं ब्लड ग्रुप से। तो देखें ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर आपको इसके लिए आपको दो सारणी की आवश्यकता होगी। ठीक है। यदि ए है तो ए के लिए आप लिखें आई ए, आई ए और आई ओ। यदि बी है आई बी और आई ओ लिखिए आप। ए बी है तो ए बी के लिए आप लिखें आई ए और आई बी। यदि ओ है तो आई ओ लिखें आई ओ और आई ओ। ठीक। इस सारणी को मैं याद रखें, आई ए थोड़ा सा दूर दूर बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, मैंने पास पास लिख दिया है, इससे थोड़ा सा मैचिंग में दिक्कत आएगी आपको। देखें यदि ए ब्लड ग्रुप है तो ए के लिए आप लिखें आई ए और दूसरी बार आप लिखें आई ओ। ठीक है। बी अगर है किसी का ब्लड ग्रुप तो बी के लिए आप लिखें आई बी और आई ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी के लिए आप लिखें आई ए और आई बी। यदि ओ है तो आप लिखें आई ओ और आई ओ। कैसे, मैंने कहा यदि ए है तो ए, जो बचा नहीं तो उसको क्या लिख दें, वो लिख दें। बी है तो बी लिखें, जो बचा उसको क्या लिख दें, वो लिख दें। ए बी है तो ए अलग लिखें और बी अलग लिखें। ठीक। इसी तरह ओ है तो ओ के लिए तो कुछ होता नहीं है तो ओ का ओ लिखें, वो लिखें। अब कैसे, अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सारणी की सहायता से आप बना पाएंगे कैसे। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक। दूसरा मैंने कहा यदि पिता है तो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो अगर मैं पूछूँ बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, तो देखें ये माता है तो ए के लिए मैं लिख सकता हूँ कौन सा, आई ए और आई ओ, तो मैंने लिखा आई ए और आई ओ लिख दिया मैंने। सेम इसी तरह पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई बी और आई ओ, तो बी के लिए मैंने लिखा आई बी और आई ओ। ठीक। अब इन दोनों को एक दूसरे से मैच करना है, तो ये यहाँ से आई बी गया, कौन गया, आई बी। थोड़ा सा मैं इसको नीचे वाले को मिटाता हूँ। ठीक है। देखें यहां से, अब यहां की बात आती है तो यहां से देखें, इस यहां से कौन गया, आई ए आया, यहां से कौन आया, आई बी। सेम इसी तरह इसको भी मैं दोनों से मिलाऊंगा, इसको मिलाऊंगा इससे। ठीक है। ये पहले दोनों से मिलेगा, इसको पहले वाले को मैंने इससे मिलाया, देखें इसको मैं इससे मिलाऊंगा, पहले वाले से भी मिलाऊंगा, इस पहले वाले को इससे भी मिलाऊंगा, इसको इससे भी मिलाऊंगा, इससे भी मिलाऊंगा, और इस वाले को इससे भी मिलाऊंगा और इससे भी मिलाऊंगा। ठीक है। तो देखें यहाँ से आई ए था, आई ए यहाँ से आया, आई ए, और यहाँ से था आई बी, तो आई ए और आई बी गया। इस यहाँ से आई ए आया, ठीक है, शायद वही मैच हो गए हैं दोनों पास पास। देखें मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ।
यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, अच्छा पिता का ब्लड ग्रुप मैंने बी लिया था, और माता का जो ब्लड ग्रुप लिया था वो लिया था कौन सा, ए। तो देखें बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई बी और आई ओ। ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई ए और आई ओ। मैच करता हूँ, इसको मुझे इन दोनों से मिलाना है और इसको मुझे इन दोनों से मिलाना है। कैसे, मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो यहाँ से क्या आया, आई बी आया। सेम इसी तरह मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया आपका आई ए। इसको मैं दोनों इससे भी मिलाऊंगा तो इसको इससे मैंने मिलाया तो यहाँ से आया कौन सा, आई बी आया। यहाँ से आया कौन सा, आई ओ आया। सेम इसी तरह इसको मैं दोनों से मिलाऊंगा तो यहाँ से आया कौन सा, आई ओ आया। ठीक इसी तरह यहाँ से भी आया कौन सा, आई ए आया। इसी तरह इसको भी मिलाऊंगा तो यहाँ से आया कौन सा, आई ओ आया। और यहाँ से भी आया कौन सा, आई ओ आया। अब देखें यहाँ से मैंने आपको बताया था आई बी और आई ए यदि हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी। ठीक इसी तरह यदि आई बी और आई ओ हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी। यदि आई ओ और आई ए हो तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, ए। और आई ओ और आई ओ तो यहाँ पर देखें आई ओ और आई ओ कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं है ऐसा कुछ, आई ओ वाला। ठीक है तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आई ओ को मैं लेके क्या लिख सकता हूँ, ओ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी ओ भी हो सकता है, और कौन सा, ए बी हो सकता है। मतलब जिनके माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। मतलब चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है याद रखें, एक एग्जांपल से और मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है देखिए कौन सा नहीं होगा इसको भी थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। ठीक है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है आपका ए बी है, तो बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखें माता के लिए मैं आपको बनाता हूँ आई ए और आई ओ, इसी तरह पिता के लिए बनाता हूँ मैं, तो पिता के लिए आई ए बनेगा और आई बी बनेगा। ठीक है अब इससे इसको मिलाना है मुझे, तो इससे इसको मैंने मैच किया तो यहाँ से आया कौन सा, आई ए आया। यहाँ से आया कौन सा, आई ए आया। इसी तरह इससे मैं इसको भी मिलाऊंगा दूसरे वाले को, तो यहाँ से आया कौन सा, आई ए आया। और यहाँ से आया कौन सा, आई बी आया। सेम इसी तरह इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो यहाँ से आया कौन सा, आई ओ आया। और यहाँ से आया कौन सा, आई ए। सेम इसी तरह इसको इससे मिलाऊंगा तो यहाँ से आई ओ आया। और यहाँ से आया कौन सा, आई बी आया। अब देखें आई ए और आई ए कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं था, मैंने जो सारणी बनाई थी। आई ए और आई बी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी। आई ओ और आई ए इसको मैं लिख सकता हूँ ए। आई ओ और आई बी इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, बी। मतलब जिनकी माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए हो सकता है। और ये हो सकते हैं लेकिन कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर ओ नहीं बना है इसीलिए उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, याद रखें। ठीक है तो ऐसे सारणी से आप ऐसे सारे ब्लड ग्रुप बना सकते हैं किसी भी तरह से। तो याद रखें ये था आपका क्या, ब्लड ग्रुप से संबंधित सारे के सारे चैप्टर। और भी ब्लड में बहुत सारी बातें हैं तो उनको हम देख सकते हैं कि क्या और कैसे हैं। ठीक है तो याद रखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप से संबंधित मैंने आपको सारे डाउट बताए हैं आपको। ठीक है अब आज ब्लड ग्रुप के लिए बस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल में हमारे नए हैं वो चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और इसी तरह से आपका स्नेह देने के लिए हमारे चैनल को धन्यवाद। आपका दिल शुभ रहे।